हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका यादव और मेरे चैनल का नाम है #cookupbeautyworld। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक रिव्यू वीडियो करने जा रही हूँ, रिव्यू की वेटर वाइल्ड के कॉन्टोर पैलेट का। वीडियो में जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद आएगा एक बेल बटन, आप उसको हिट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले और सबसे पहले मिले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मेरे इसको लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करके मुझे बताइएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ वेट एंड वाइल्ड के इस कॉन्टोर पैलेट का रिव्यू करने जा रही हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली ही मंगवाया है और ये इसी तरह से आया था। इसके साथ कोई भी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग नहीं थी, तरह के प्लास्टिक के एक रैप में रैप होकर आया था और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर देते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है लेकिन अगर गिरेगी तो टूट फूट जाएगी। वैसे तो जैसे सिवाना का मेरा एक कॉन्टोर पैलेट है मेरे पास, उसी तरह की पैकेजिंग है, बस ये बिल्कुल ये थोड़ा सा जो साइज़ में बड़ा है, ये पूरा जो मेरे हथेली है उसको कवर कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी दो शेड थे तो मैंने ये वाला मंगवाया है जिसमें डार्क ब्राउन और ये लाइट येलो सा कलर है। और इसके ऊपर ऐसे और इसका जो शेड है मेरे पास जो शेड है वो है E7501 कैरमल टॉफ़ी। और इस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ है वेट एंड वाइल्ड कंटूरिंग पैलेट। और जो वेट एंड वाइल्ड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी क्रुएल्टी फ्री होते हैं, यानी कि एनिमल पे टेस्ट नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से बैक पे इसके लिखा हुआ है। इसमें आपको क्वांटिटी मिलेगी 12.5 ग्राम और जो इसका MRP है वो है 499 रुपीज़, जो कि मेरे को डिस्काउंट करके 249 रुपीज़ का मिला है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है फेब 2019। आप इसको यूज़ कर सकते हैं January 2022 तक। इसके बीच में इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं। इसका जो लिड है वो ट्रांसपेरेंट है जो कि प्लास्टिक का है और पूरी की पूरी जो पैलेट है वो प्लास्टिक की ही है। तो इसके अंदर एक ये डार्क ब्राउन कलर है और ये कुछ येलो कलर का पाउडर है, जैसे बनाना पाउडर होता है ना, उसी शेड में है येलो कलर का। ये देखिए, इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल येलो है और ये कलर मैंने सोचा था काफ़ी डार्क होगा लेकिन ये इतना डार्क नहीं है, ये बड़ा ही लाइट कलर आया है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कॉन्टोरिंग करने के लिए मेरे यूज़ होगा, ये तो एज अ कॉम्पैक्ट ही शायद यूज़ होगा या इसको ट्रांजिशन शेड की तरह मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझको नहीं लगता कि कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ होगा। तो अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है तो हो सकता है बहुत लाइट कॉन्टोरिंग हो, तो मैं इसको एक बारी करके देख लेती हूँ। मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन और कंसीलर लगाया हुआ है। वैसे टेक्स्चर तो इसका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फाइन पाउडर है। तो इससे पहले मैं अपने कंसीलर को आपको सेट करके दिखाती हूँ कि कितना ये पिगमेंटेड है और कितना कवरेज देता है। ओके, तो जो बनाना पाउडर जो है इसने काफ़ी काफ़ी कवरेज अच्छी दी है। आप कंसीलर के नीचे इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज बिल्कुल वाइट कलर का पाउडर नहीं है, येलो कलर का है और आप इसको कंसीलर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो वाइट कलर का कास्ट है वो ना मिले, एज अ लूज पाउडर आपका ये वर्क कर जाएगा। सेकेंडली हम यूज़ करके देखेंगे ये कॉन्टोर पाउडर, देखते हैं इससे कॉन्टोरिंग होगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं इससे अपने नोज की कॉन्टोरिंग करके देखती हूँ, अगर होती है तो। अगर आप इसको यूज भी करेंगे तो काफी लाइट कॉन्टोरिंग होगी। तो हल्की हल्की कॉन्टोरिंग आई गेस हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी कॉन्टोरिंग नोज पे तो हो गई है। मैं अपने फेस पे अप्लाई करके देखती हूँ कि कॉन्टोरिंग अच्छे से इस कलर से होगी या नहीं। इसको एक कॉन्टोर ब्रश पे मैंने ले रही हूँ मैं कॉन्टोर पाउडर को। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी कॉन्टोरिंग का शेड आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा ऑरेंज शेड ही आ रहा है मेरे फेस पे। बट अगर आप लाइट कॉन्टोरिंग करने चाहते हैं तो इससे हो जाएगी। ज़्यादा भी अमाउंट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कलर ही बहुत लाइट है। तो मेरी स्किन टोन के हिसाब से मेरे को थोड़ा डार्क कलर चाहिए होता है, लेकिन तो बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग हुई है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो काफ़ी डार्क कलर लग रहा था लेकिन इतना डार्क नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी वही बोल रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल हल्की वाली कॉन्टोरिंग चाहिए, बिल्कुल हल्की वाली, तो इसके साथ आपकी कॉन्टोरिंग हो जाएगी। जैसे मैं आपको आप देख ही सकते, थोड़ा फर्क आ गया है, ऑरेंज सा है यहाँ पे, थोड़ा सा ब्राउन शेड आ गया है, तो जिससे फेस जो है वो कॉन्टोर लग रहा है। तो फाउंडेशन वगैरह अगर आपने लगाई होगी तो
और अच्छे से हाइलाइटिंग की होगी तो ये कॉन्टोर आपका चल सकता है। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि ये वाला जो कॉन्टोर पाउडर है वो फेयर स्किन टोन के ऊपर ज़्यादा अच्छा चलेगा। अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो आप ये वाला कलर ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्टोर होगा आपका फेस। अभी ये ले लिया है तो मैं भी यूज़ करूँगी, बिल्कुल हल्के कॉन्टोर के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल मेरे को जो ये प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा लगा और क्वांटिटी भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ये अफोर्डेबल है, 500 का है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सेल लगे, ऑलमोस्ट वेट एंड वेल के जो प्रोडक्ट है उन पे थोड़ी थोड़ी सेल हमेशा चलती रहती है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप एक लाइक करेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं मिलूंगी गाइज अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय।